अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास। लेट्स स्टार्ट आवर वर्क नाउ। ओपन योर मैथ्स बुक्स। पेज नंबर 1। ओके, सो वी हैव टू काउंट एंड राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। तो बेटा आपने करना ये है कि यू हैव टू काउंट द ऑब्जेक्ट्स। हर लाइन में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 1। तो यहाँ पे उन्होंने आपको काउंटिंग इन वर्ड्स भी लिख के दी, ONE, और आगे उन्होंने आपको ट्रेसिंग के लिए भी दे दी। ठीक है, आपने काउंट करना है और फिर ट्रेस करना है और उसके बाद खुद लिखना है। ठीक है, जैसे 1 ट्रेस करना है और फिर आगे 1 लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। इसी तरह 2 को ट्रेस करना है यहाँ पे और फिर यहाँ पे आपने खुद लिखना है। ये 1 to 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 काउंटिंग है। ये सब हम लुकिंग बैक, वी आर लुकिंग बैक कि हम वो सब काम कर रहे हैं जो हमने पहले किया था। ठीक है, लेकिन अब हम उसको रिवाइज कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ा सा चीज़ें याद हो जाएं दोबारा से। ठीक है, आपने यहाँ पे ये सारी काउंटिंग लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कर रही हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मैं 2 को ट्रेस कर रही हूँ, मेरा तो लाइन से नीचे जा रहा है। ठीक है, मैंने ट्रेस किया और मैंने आगे लिख लिया। इसी तरह आपने ही सब नंबर्स लिखने हैं। आपने पीजी में भी की काउंटिंग, नर्सरी में भी, प्रेप में भी, एंड नाउ यू आर इन 1 क्लास। तो अब आपने यहाँ पे काउंटिंग खुद करनी है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2। वी हैव टू काउंट द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और फिर हमने उनको मैच करना है नंबर्स के साथ। ठीक है, पहले आपने वर्ड्स के साथ काउंटिंग इन नंबर के साथ मैच करना है और उसके बाद आपने काउंटिंग इन वर्ड के साथ मैच करना है। ठीक है, जैसे कि उन्होंने आपको करके दिए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 4 को, ये 4 है तो हमने इनको मैच किया 4 के साथ। ठीक है, और यहां पे कहां पे लिखा हुआ है 4, FOUR 4 ये लिखा हुआ है तो हमने इसके साथ मैच कर दिया। ठीक है, इसी तरह 1, 2 को हमने 2 के साथ मैच किया और फिर कहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 2, ये लिखा हुआ है TWO 2, तो आपने इसको इसके साथ मैच कर दिया। इसी तरह आपने बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को भी काउंट करना है और आपने मैच करना है। ठीक है, हमारा आज का लेक्चर इतना ही था। शुरू में हम थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, ठीक है, ताकि आपके लिए इजी रहे, और बाद में हम इस वर्कलोड को बढ़ाते जाएंगे। आपने बहुत अच्छे से ये वर्क करना है। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।